सोया मैं ये कह रहा था कि दुख इस बात के कि वो दिल हेलो एवरीवन, ये दोबारा उसमें दो तीन साल का बड़े सारे मेमोरीज था, एक जेन्युइन रीजन था हारने का। तो ये है जी, मिंत्रा से एक बैग पैक आया है, मैंने बैग पैक ऑर्डर किया था। हेलो एवरीवन, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सोया अभी टाइम बज रहा है 11:39, गुड मॉर्निंग जी। सोया आज 11 अप्रैल ईद है जी, ईद मुबारक। सो ईद तो कल हुआ था, लेकिन दिल्ली में मोस्ट ऑफ द पीपल ईद नहीं हुआ था, कल सेलिब्रेट वगैरह नहीं किया, बस ईद का नमाज वगैरह पढ़ा, वो भी इधर ही पढ़ा था। तो आज अपने को ईद के लिए जाना है साउथ दिल्ली जामिया अहले बैत, और अभी निकलना है। सब ईद के दिन कुर्ता उर्ता लगा के जाता है यार, मेरे पास है ही नहीं, पता है। मैंने एक सामान ऑर्डर किया था, वो अभी पहुंचा है, उसको अनबॉक्सिंग करते निकल जाएंगे फिर साउथ दिल्ली की तरफ। सब ईद के दिन कुर्ता उर्ता ऑर्डर करना चाहिए था, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ गया था, कुर्ता उर्ता का ध्यान ही नहीं आया, लाया ही नहीं। चलो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते है, एक ऑर्डर पहुंचा है, देन हम चले जाएंगे सीधा साउथ दिल्ली के लिए। तो ये है जी, मिंत्रा से एक बैग पैक आया है, मैंने बैग पैक ऑर्डर किया था। कैमरा पकड़ने वाले नहीं ना, और हम कैसे अनबॉक्सिंग करें भाई, कैसे करना पड़ेगा। वर्ल्ड क्राफ्ट का था जी, ये है जी, मुझे पसंद आया था तो मैंने ये कल ऑर्डर किया था। इसको भी तो ऐसा कुछ है जी, मेरे पास बैग पैक जो था ना वो छोटा सही था, वो भी हिमाचल का बैग था, तो मैंने ये लिया। ऐसा कुछ है, चलो सोया। इसका साइज़ जो है ना मुझे छोटा पड़ रहा था, कभी एक आधा दिन के लिए ट्रैवल कर रहा है तो इसमें कपड़े वपड़े मुश्किल से आ रहा था, सो ये लिया था। अभी ये बहुत अच्छा है, मतलब दोनों एक नंबर है। तो ये था जी वज़ीराबाद का कुछ माहौल ईद का। सो अभी अपने को निकलना है ओखला विहार के लिए। सो ईद तो कल हो गया था, लेकिन आज अक्सर की तरफ से एक इलेक्शन भी है, सो उसी के लिए जाना था। ईद तो कल हो गया था, जो भी ईद का एक्टिविटीज़ होते हैं, नमाज वगैरह सब कुछ यहाँ वज़ीराबाद पे कल हो गया था। हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे भाई लोग था, उन्होंने किया था उन्हीं के साथ साथ, और मैंने कल बोला था कि मेरा एक दो फ्रेंड को मैंने ईद वगैरह नहीं किया, कल भी रोज़ा है, उनके साथ ऐसे ही थोड़ा मजाक कर रहा था। ईद तो कल हो गया था, सो अभी उधर इलेक्शन वगैरह है तो जाना पड़ेगा। ये देखो दिल्ली की एयर क्वालिटी 230। सो अभी मैं जस्ट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, तो अभी मैं एग्जिट करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। सोया मेरा लास्ट टाइम इंस्टा डिलीट हो गया जी, सो आप लोग इंस्टा पे जाके फॉलो करें। चलो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, एक प्राइवेट अकाउंट था वो मैं चला रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन उधर मेरा 2 साल का ट्रैवल का क्या बोलता है, बहुत सारे मेमोरीज था वो सब डिलीट हो गया, बस दुख उस बात का है, बाकी 2-3। सोया मैं ये कह रहा था कि दुख इस बात का है कि वो डिलीट हुआ, इस बात का नहीं, चलो यार और बना लेंगे अकाउंट वगैरह। सो उसमें 2-3 साल का बड़े सारे मेमोरीज था, रील वगैरह अपलोड किया था, जो कि काफ़ी सारे मेहनत कर था, और 2-3 रील ऐसा था कि मतलब जिससे मतलब एक लोकेशन का बहुत सारी यादें जुट के नहीं होता है वो वाली था, और 2-3 ड्रोन शॉट भी था, जो कि मतलब एक ड्रोन शॉट मतलब 250-300 का लिया था, मतलब चलो यार वो सब तो आ जाएगा और बनाएगा रील वगैरह तो। लेकिन मतलब जो मेमोरीज जुड़ा हुआ था ना उन रीलों से, चलो व्यूज़ वगैरह भी उतना नहीं था, किसी पे 7-8 हज़ार, कोई 20-30 हज़ार का था, बाकी तो नॉर्मल 2000-3 हज़ार का ही व्यूज़ था, वो भी कोई चक्कर नहीं। लेकिन जो उसके साथ हमारे यादें जुड़ा होते हैं ना, वो सब डिलीट हो गया, तो बस थोड़ा सा उस बात का दुख है। तो आप लोग फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। सो अभी तो ओखला विहार पहुँच गया, बस अभी यहाँ से ई रिक्शा पकड़ते सीधा जामिया अहले बैत के लिए, यहाँ से ई रिक्शा वगैरह मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे है 2 ई रिक्शा खड़ा है, तो चलते हैं सीधा जामिया अहले बैत पहुँच के मिलते हैं, वहाँ पे एक इलेक्शन भी है, इसी के लिए आया था। फिर तो वज़ीराबाद में मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड को बोला था ईद के लिए चलो,
कल हो गया था तो काफ़ी सारे फ्रेंड ने मना किया, और यहाँ जाके देखते हैं कोई दोस्त वगैरह तो मिल ही जाएंगे। देन एक दोस्त को लेके यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाएंगे, देन अपना वज़ीराबाद के लिए वापस चलते हैं। सो अभी मैं जस्ट पहुंच गया एलिबेट पब्लिक स्कूल ओखला विहार। ओ यार अपना भाई लोग भी है। सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अपच अस्सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। ठीक होते बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास दुआ। ईद नहीं चल रहा है? ईद चल रहा है भाई अंदर, अभी तो हम बैठे हैं। क्या बोल रहे हो? थोड़ा देर हो गया यार, मेट्रो ऑटो ये ट्रैफिक। थोड़े रेस्ट करते हैं फिर हम ईद के लिए चलते हैं। नीचे आज इलेक्शन है, इलेक्शन भी है तो आना पड़ा ना। और बढ़िया नासिर भाई, वो महबूब भाई ने बोल रखा है उसको, उसी को ही देगा। आप लोग? हम भी वही भाई। चलो हम देखते हैं, बाकी देना अपना फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, वोट देने आए इतने दूर से हम। ओके कौन है वो? फ्रॉम करगिल लद्दाख, एंड दीज गाइज आर जेनी करगिल। ईद मुबारक गाइज। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अते भाई कहाँ जाएगा? खाना 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 लाने गया ये बंदा। माले बोले वासे दे दूंगा चल। कुछ बोलना चाहोगे भाई साहब? माते भाई ओके ओके, थैंक यू सर। कैसे मत हम वेडिंग कैसा लॉन्च हो स्पिन शेफ? ये भाई जूस नहीं पी रहा, हम क्या कर सकते हैं, पी लो यार। भाई लोग एक शेयर कर रहे हैं। हां ये शेयर करके इसको थोड़ा ही पीना है। सो अभी वोटिंग का वोटिंग वगैरह हो गया, काउंटिंग चल रहा है, तो हम इससे बाहर थोड़ा आ गया। हाँ भाई लोगों के साथ घूमने के लिए। रिजल्ट अभी आने वाला है, 10-20 मिनट लगेगा क्योंकि काउंटिंग वगैरह हो रहा है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, मौका दिया भाई ने। हाँ। यार हम रोज मौका देते हैं यार, ये देखो हमने कब मौका नहीं दिया, तुम आज रोज वेलकम है। तो आज हम भाई को साथ में ले जा रहे हैं अपना वज़ीराबाद, क्योंकि ये लोग आता नहीं है। आपके वीडियो में आए यही बहुत बड़ी बात है, ऐसा मत यालो, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर भाई। अभी हम वोट में नहीं जीते यार, अभी तो रिजल्ट नहीं आया भाई। हाँ नाराजगी हो रहा है अंदर से, कुछ सुनने को तो आ रहा है भाई, सुनने को तो आ रहा है। बाकी तो अजाम वालों बहुत खुश हो रहे हैं, लगता है वो लोग जीत गए। हमारे साथ हार गया, हार गया हम, अभी हमारा आत्मसम्मान। चलो थोड़ा सपोर्टर भी चाहिए ना, हम हार गया यार। तो अभी टाइम बज रही जी 6:25, अभी जस्ट हम निकल रहे ओखला विहार से नॉर्थ दिल्ली के लिए। सो इलेक्शन वगैरह तो हो गया, जो वोट के लिए निकला था वो हार गया। सो मतलब एक जेन्युइन रीज़न था हारने का, जो कि ज़्यादातर बच्चे नॉर्थ दिल्ली में बैठते हैं, और कल हुआ था ना ईद, कल ईद होने की वजह से जितना नॉर्थ दिल्ली में स्टूडेंट वगैरह था वो लोग इधर आया ही नहीं। सो मतलब मुझे तो यही लगा कि हारने का रीज़न ही तो वो जीत जाता, और मतलब नॉर्थ दिल्ली से जितना भी वज़ीराबाद में लगभग लगभग 100-150 बंदे बैठते, उनमें से ना करते हुए कोई आया होगा तो 10-12 आया था, और विजयनगर में भी बैठता है, और पटेल चीज में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं, उधर से भी स्टूडेंट वगैरह आया ही नहीं। अगर वो आता तो महबूब भाई ज़रूर जीतता, लेकिन कल ईद भी हो गया, ईद को कल नहीं करके आज किया। सो मतलब जेन्युइन रीज़न तो यही था जहां तक मैंने देखा, इसीलिए वो बंदा हार गया। तो वोटिंग वगैरह हो गया, अब करना कैमरे के आगे आगे हाई कर रहे हैं अंकल। चलो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन, कौन सा वाले पे जाना है, जामिया मिलिया या ओखला विहार? तो मतलब यही दोनों नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, तो अभी हम निकलते हैं। ओके आप सभी को और एक बार ईद मुबारक, हमें भी ईद मुबारक कमेंट्स कर दीजिए। ओके ये देख सकते हो प्यारा सा सनसेट, आई हाई मज़ा आ रहा है।
थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, और थोड़ा सा नॉर्थ दिल्ली के कंपेयर में इधर थोड़ा सा गर्मी कम है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनरी वगैरह है। जो हमारा वज़ीराबाद है, ग्रीनरी के नाम पर मतलब कम ही है, मतलब 10% मान सकते हो यहाँ से कंपेयर करेगा तो। यहाँ पे दोनों साइड में पेड़ पौधे सब कुछ है, तो मतलब जहाँ पेड़ पौधे उधर थोड़ा सा गर्मी की संख्या कम होता है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मज़ा लग रहा है, मज़ेदार। तो अभी हम निकलते हैं सीधा, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पहुँच भी गया, ये देख सकते हो जामिया मिलिया, दोनों साइड से पेड़ पौधे, ये देखो। तो अभी हम हाउस कॉस मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, मैजेंटा लाइन से येलो लाइन के लिए चेंज कर रहे हैं, और ये भीड़ देखो आप लोग, बस भीड़ देखो, बहुत भीड़ है बहुत। सोया अभी जस्ट रूम पे पहुंच गया, और टाइम बज रहे 8:22। हम सुबह गया था दिन को उधर पहुंचा, और शाम को हम वापस आ गया रूम पे पहुंचा रात को। तो मतलब आप लोग देख रहे हैं ना, ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, बनाने में इसको लगता है जी 7-8 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक, उसमें से क्या देना है क्या नहीं देना है, मतलब सोच समझ के काट के, मतलब कुछ चीज़ें काटना होता है, ये वो एडिटिंग ये वो करके 10 से 12 मिनट की हम वीडियो देते हैं। तो मतलब कोई बोलता है यार इधर जा रहे उधर जा रहे, बस यही तो बोलना है, आसान है बोलते हैं ये, मतलब एक बार करके देखिए, बहुत डिफिकल्ट होता है। और अंकल आंटी ने खीर वगैरह भेजा है ईद के लिए, सो थैंक यू सो मच। तो आज का वो लोग को यहीं पेंट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ओके बाय 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 बाय।